बड़ा तो क्या करोगे बताओ, इतने एक दिन का मेला है और इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, ना कुछ तो आपको व्यवस्था बना के चलनी पड़ेगी। ये चीज जाम भी लगा हुआ है, फौजी भाई लोग खड़े हो रहे हैं, भारत माता की। चलो नीप करोरी बाबा जी कृष्णा, नीप करोरी बाबा जी, नीप करोरी बाबा जी, नीप करोरी बाबा जी, नीप करोरी बाबा जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर से आया हूँ। अच्छा, इंदौर से। कैसे आपने कार्ड भी बना लिया है? हाँ, क्या असुविधा हुई, क्या सुविधा हुई, कैसी व्यवस्था लग रही है इस बार की? रुकने की व्यवस्था नहीं है। नहीं है? हाँ, क्योंकि अभी अभी यहाँ आते हैं तो यहाँ रुकने की व्यवस्था बराबर मिल नहीं पाती है। और हम 8-10 साल मतलब 2008 से आ रहे हैं वैसे तो, और ये अभी यहाँ रुकने की व्यवस्था जैसे 15 जून को आना है तो यहाँ रुकने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पाती है। अच्छा, बाकी सारी व्यवस्था है, बढ़िया है, बाबा जी की कृपा है, सब बढ़िया है। और आगे बाबा जी की कृपा होगी तो रुकने की व्यवस्था और आगे और भी मतलब। चलो कोई बात नहीं है, पंडाल लगाए गए हैं थोड़ा बहुत, अब जब अधिक लोग आते हैं तो इस प्रकार से होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कार्ड बनी चुके हैं आपको, अंदर से सेवा मिली रही है, सेवा जा रही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अरे नमस्ते नमस्ते, ठीक हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहाँ से आए आप लोग? अमेठी। अच्छा, अरे कई बार बताना पड़ेगा अमेठी रायबरेली। अरे जितनी बार आओगे उतनी बार बताओगे। तो यहाँ तो अभी बड़ी दिक्कत हो रही भाई। क्या दिक्कत हो रही है? बाथरूम बड़ा रुकने बहुत बड़ी समस्या। तो क्या करोगे बताओ, इतने एक दिन का मेला है और इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, ना कुछ तो आपको व्यवस्था बना के चलनी पड़ेगी। ये चीज को बताओ कुछ करें भाई। जाम भी लगा हुआ है, फौजी भाई लोग खड़े हो रहे हैं, भारत माता की। चलो सब सारी व्यवस्था होगी, धीरे धीरे जो कमियां पूरी होंगी वो पूरी की जाएंगी। आइए दर्शन हो गए। दीदी आप पीछे की हो, आगे आओ ना। लखनऊ से आए हम तो, और हर बार आपको देखते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आपको सब्सक्राइब करा हुआ है, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, हम लोग को आरती दिखाते हैं, हम लोग लखनऊ से बैठ के यहाँ के दर्शन करते हैं। अच्छा, रोज सुबह सुबह। और आपने कल से टाइमिंग बढ़ाई, वो बहुत अच्छा लगा हमें। सही है, हमने देखा था। हाँ, कल आपका बढ़ा, कल आपने बताया था तो हम लोग काकड़ी, आपके बताने की वजह से हम लोग काकड़ी धाम गए थे, पहली बार गए थे शायद। बाबा जी ने आपको माध्यम बना के भेजा था, मतलब कल भी आपसे मिले, आज भी मिले, बहुत अच्छा लगा हमें। और आज यहाँ से कहीं जाना नहीं है, आज मुक्तेश्वर निकल रहे हैं तो वहीं रहोगे? तो दोस्तों मैं एक बार आपको पूरा कैंची राम दिखा देता हूँ, किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है। रोड से कम 5 मीटर 6 मीटर इधर को एक दीवार दे दी गई थी, मैं प्रतिदिन आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से दीवार दी गई है। और यहाँ पर से 2 रास्ते बनाए गए हैं, एक इधर और एक इस तरफ, और जब भी आप आते हैं तो यहाँ पर फोटो खींच सकते हैं। मौर्य भाई साहब फोटो खींच रहे हैं। हेलो, योर कंट्री? मैं इंडिया का हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वीडियो मैंने देखा था 2020 अर्ली जब बिगिनिंग हुआ था, तभी मैं इसके बारे में पता चला। अच्छा अच्छा, प्लानिंग बहुत किया था बट नहीं हो पाया, बट दिस इज द दिस हैपनिंग, तो थैंक यू फॉर यू। खुश नजर आ रहे हो तुम काफी। हमें तो कुछ तो आई अभी दर्शन हुआ है। दर्शन हो गया? अच्छा, से मिलने बहुत बार आपका वीडियो मैंने देखने का, तभी यहाँ आ पाए। मैंने 2 साल पहले जब कोविड के टाइम में, लास्ट कोविड जब बीच हुआ था, तो उसमें आपका वीडियो, आप शायद किसी हिमालय में किसी, हाँ उसमें आप एक वीडियो था, वो फर्स्ट टाइम मैंने क्लिक हुआ था, धीरे धीरे मैं इसके बारे में जानकारी हुआ। सही लगता ना? हाँ अच्छा लगता। चलो थैंक यू, आज यही हो? ठीक है, कल मिलते हैं मॉर्निंग में। आप देख सकते हैं किस तरह से 2 इस तरफ एक इस तरफ एक उस तरफ बैरियर लगे हुए हैं। आप यहां से बिल्कुल सावधानी पूर्वक आएगा भक्त लोग जमा हुए, और सेल्फी खींचने का काफ़ी अच्छा यहां पर आप लोगों को मौका मिल जाता है, क्योंकि पहली बार रोड में सेल्फी खींचने का मौका नहीं मिल पाता था। यहां पर से लाइन लगेगी कल, ठीक शायद मेरे ख्याल से 2 बजे 2:30 बजे से लाइन लग जाएगी। कल 15 जून रहेगा, 15 जून का विशाल मेला, और यहाँ से मंदिर है, पूरी पंडाल लगाई गई है, मंदिर को सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मालाएं लाइटें लगाई गई हैं। ये दीवार कुछ चौड़ा बना, यहाँ को कुछ ज़्यादा चौड़ा बनाया गया, यात्रियों को रहने की थोड़ी असुविधा है। हम कहाँ से आए हो? तो यहाँ कितने लोग आए हो? बस 2 जने।
इतना सामान ले आए। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लोग बाग सेल्फी ले रहे हैं और भीड़ अभी से लगी हुई है यहाँ पर। अब मैं आपको गेट से थोड़ा सा अंदर का जानता हूँ और पंकज का छोटा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है। खा भाई खा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ये जूत यहाँ पर से मंदिर है। जय मेरे बाबा परी विजय कपड़ा मंदिर।